ऑल राइट right, दोस्तों बहुत एक्टिव यूट्यूबर के साथ मैं थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ एंड बहुत क्लीशे सी हो गई लाइन की यार ये इेगुलर है, हाँ है लेकिन 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 लेकिन, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि भाई इरेगुलरिटी के साथ व्यूज बढ़ गए हैं ठीक है थीके? तो स्ट्रेट बहुत भाई मुक्ते बहुत बड़ा मतलब आप बोलोगे एनालिटिक्स पे ध्यान देने वाला बंदा उसने कहा कि यार एक बात बताओ मैं दस दिन वीडियो बनाऊ

बार्सिलोना सोच रही है हम अपने बच्चों पे बाल मजदूरी करवा के सीजन आ, में ट्रॉफियां निकाल लेंगे <laughs> मतलब हद भी हो गई जैसे, जैसे है अच्छा फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि यह मेरा बटुआ ठीक है लाइव स्ट्रीम पे भी दिया था तो मैं यहाँ पे भी देता हूँ मुझे काफी अच्छा ठीक है अब मेरे को जाना है अपने दोस्त के घर ठीक है एंड मेरे बटुए में पड़े हैं बीस रूपए यही है मेरे बटुआ में खाली है मेरा बटुआ ठीक है मेरे बटुए में बीस रूपए पड़े हैं है, तो अब अगर मैं बाहर निकला मुझे जाना अपने दोस्त के घर वो रहता है यहाँ से पांच किलोमीटर दूर तो क्या मैं बीस रुपए की मयूरी करूंगा मयूरी यानी इलेक्ट्रिक मयूरी क्या होता है ना? अच्छा अच्छा इलेक्ट्रिक रिक्शा दस पंद्रह रुपए सवारी होता है वो ठीक है तो आइडियली ये है कि मैं पंद्रह रुपए करूंगा लेकिन बाढ़ से लोना जब बाहर जाती है तो वो बीस रुपए की आइसक्रीम खरीदती है सबसे पहले आधी पिघली हुई है कभी भी पिघल जाती है कभी भी ठीक हो जाती है हाँ। तो वो क्या हम हम भाई हमें लग रही है गर्मी की हाँ। रिक्शा गया माँ बहन कराने अपनी हम आइसक्रीम खरीदेंगे तो उन्होंने आइसक्रीम खरीदी है और अब वो पैदल चल रहे

He is much more closer to join Barcelona than to stay at Athletic Bilbao. ठीक है तो I have heard this news about Bernardo Silva, about Kimmich, about इतने players मैं क्या बताऊँ आपको list बना के दे सकता हूँ मैं. We can make a ek 11 of almost Barcelona FC. ठीक हाँ. है तो तो I don't मतलब ऐसा नहीं हो सकता है वो आ जाए. It is not कि मैं बहुत pessimistic होने की कोशिश कर रहा हूँ. It is just that like, as a fan मैं दूसरों को भी suggest करूँगा. I don't think Barcelona के perspective में. ठीक है

वही चीज है, है बट हाँ मतलब तू जो कह रहा है वो बिल्कुल बात ठीक है बट तेरे हिसाब से ये भी तो सही बात मतलब एक तरीके से हम ये अगर पॉइंट रखे तो वो भी तो सही है ना कि इसमें बहुत कुछ हद तक बार्सलोना बोर्ड खुद इस चीज को लीक करवाता है फैन नरेटिव देखने के लिए या फिर एक हाइप क्रिएट करने के लिए क्योंकि सोशल मीडिया पे उस पर काफी ज्यादा इंगेजमेंट मिल जाता है क्योंकि अगर हम देखें तो लिंक तो डेनी ऑलमो ज्यादा तो निको विलियम्स से हुए हो डेनी ऑलमो की डील तो फिर भी बहुत जल्दी कंक्लूड हो गई और रियलिस्टिक अगर देखा जाए जो अप्रोच था मतलब प्रायर टू यूरोज भी आपका निको विलियम्स ही रहा कॉन्वर्जेशन का पूरा पॉइंट देन लमीन यमल से इतना ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट वो सब दिखाया गया तो ये कहीं ना कहीं फिर बोर्ड की भी तो एक तरीके से आप बोल सकते हो स्ट्रेटेजी रहती है कि वो ये लीक लीक वही लिग करवाते हैं ये सब चीजें। तो फिर तो of, uh, hmm. case, फिर द केस तो तो इट शब्द यूज किया जा सकता है कि इफ द बोर्ड इज इंक्लाइंड एक चीज समझ चुका हूं, football, इतना मैं कर चुका हूं

He doesn't care. He doesn't care about your sorry ass. I'm sorry. तुम रोते रहो. They don't care about you. Darwin Nunes खेलेगा तो खेलेगा. Vinicius Junior गाड़ियाँ खा रहा था जब वो नया नया आया था. The board knew कि नहीं भाई he fans को घंटा नहीं पता. हाँ, fans को क्या पता भाई? Today he is the best player on the planet. बिल्कुल. तो so, if the people who are running the club are smart enough, they don't care about the fans. Fans are dumb.

i think if if the people who are running the club they are good enough they don't care about the fans they know ki kya chalega club ke liye and wo chala lenge if they are not sure khud hmm. ke decisions ke upar that is when they would like to opt for the fan reaction हाँ. कि अगर हम ये करते तो fan का क्या reaction आएगा हम ये करते तो क्या reaction आएगा it is always secondary कि अगर उन्हें खुद के उस पर बिलीव नहीं है

Like, एक दोस्त like, दो, लेकिन yes. अगर वो नहीं मिली तो देख फाइनेंशियल hmm. पहले थे बिल्कुल, बिल्कुल हमने अभी तक कोई अपना बार्सलोना के साथ अभी तक ऐसा क्या हुआ सिवाय वो स्पॉटिफाई की डील के

पीपल टॉक अबाउट इट इन क्योंकि for, की है। लेकिन अगर नहीं हो पाती बार्सलोना oh boy, oh boy, <laughs> इसी चीज का प्रेशर हांसिक लिख के ऊपर है भी क्योंकि अब उसको पता है कि यार उसको जो प्लेयर चाहिए टीम में वो मिलने नहीं वाले और अगर वो प्लेयर चाहिए होंगे उसको अगले सीजन में तो उसको यहाँ पर बजट इंक्रीज करने के लिए ट्रॉफीज डिलीवर करनी पड़ेंगी और अगर करेंट स्कॉर्ड देखा जाए बार्सिलोना का तो अच्छा है वर्ल्ड क्लास है पेड्री है गावी है फर्मिन लोपेज भी आ रहा है अकेडमी के थ्रू देन कसादो आ रहा है अकेडमी के थ्रू फ्रेंकी ऑलरेडी है लेकिन इसमें से जो सेलेबल एसेट हैं वो निकालने भी तो पड़ेंगे अगर आप वाकई में पूरे स्कॉड को देख रहे हो अपग्रेड करने के लिए तो फ्रेंकी डियोंग के रिगार्डिंग जो एक फैन परसपेक्टिव है कि यार ई शुड नॉट बी सोल्ड दिस एंड दैट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर फ्रेंकी डियोंग टू बी सोल्ड right time for i don't for... think the fans i don't think there is no right there is no sensible barcelona fan jo ab kehta hai ki franki pichle season tak kehte the log honestly hmm. saying kyunki if you would look at the profiles that barcelona had going into this matlab last season ke shuruaat mein फ्रेंकी डियोंग was एक exception to that those profiles ठीक है he was something that barcelona lacked he was something yes. that barcelona could make मतलब अगर देखते हो रोमियो वाली चीज अगर वर्क कर जाती गुंडगान mm. के साथ डबल पेबेट वाली चीज अगर वर्क कर जाती इफ इफ थिंग्स कुड हैव वर्कड आउट वेल देन फ्रैंकी दिन वाज समथिंग दैट द फैंस वर काउंटिंग ऑन फॉर वन लास्ट टाइम ठीक है नाउ जितना मैं जानता हूं देयर इज एब्सोल्युटली नो फैन दैट वॉन्स बार्स फ्रेंकी डॉंग टू अगेन बहुत डिफरेंट रीजंस है बट इट्स अ शॉकिंग फैक्ट कि ही इज द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन यूरोप

एप्सुलूट क्रैप ठीक है तो ही इज द फोकल पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन फुटबॉल के अंदर क्या तुम्हारा फोकल पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बहुत कुछ डिसाइड करता यू कैन इधर मल्टीपल फोकल पॉइंट और यू कैन है you can have अब उठ के आ रहा है कैसा करेगा आगे जाके इवेंचुअली टूवर्स एंड ऑफ द सीजन रफीनिया भी एक बनने लग गया था बट मेजोरिटी वो एक ही पॉइंट रह, रहता है दैट इज रॉबर्ट एंड पॉइंट इज आई डोंट रियली हैव एनीथिंग अगेंस्ट रॉबर्ट एलेवनडॉस की I love him, buddy. He is one of the greatest number nines I have ever seen. Hmm. But the thing is that Barcelona के पास अभी I think he is the second highest salaried player Barcelona का, ठीक है? सबसे पहली बात. And then him being 35 years old puts a lot of pressure on him. It's a lot of pressure on him. He should not be a like I hope the target know. man. The the हाँ मतलब समझ गया मैं. The focal it's a lot point of, of her attack. क्योंकि अगर अगर if he for example if he does good वेरी गुड भाई आई वुड होप की ही डज गुड बहुत सारे प्लेयर्स है जो ओल्ड एज के अंदर आकर भी काफी ज्यादा बढ़िया करते हैं हमने देखा है एंड आई मैं तो एज अ बार्सलर फैन आई प्रे फॉर इट बट लाइक दैट्स लाइक समथिंग यूर यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग टू हैपन जिसकी प्रॉबेबिलिटी बहुत कम है ऐसे hmm. कितने फुटबॉल प्लेयर्स पता है हमें जो पैंतीस साल की उम्र में जाके लाइक गिव यू अट और लालीगा विनिंग और चैम्पियंस लीग विनिंग परफॉर्मेंस कितने प्लेयर्स जानते हैं फुटबॉल की हिस्ट्री में गिनती के कुछ आएंगे भाई एक हाथ के ऊपर गिन लो बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं काफी पॉइंट तो मेरा भी वही है कि मतलब चलो ठीक है बट पता है प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि इन्होने डॉस्की के बैकअप के तौर पे एक सत्रह अठारह साल के लड़के को साइन कर लिया आपको एक्सपीरियंस ही है था उस पोजीशन के ऊपर अब रितोर रोके की सिचुएशन क्या है बार्सिलोना में नो वन नोस बिकॉज कुछ लोग कह रहे हैं कि यार वो जाएगा कुछ लोग कह रहे हैं वो रुकेगा उसका एजेंट आकर मुंह चला रहा है उसका मतलब अगर हम देखें तो शावी के स्टेटमेंट आगे थे जाने से पहले रितोर रोके के रिगार्डिंग तो काफी डिसहार्टनिंग थे तो बहुत ही एक सर्कस सा बन चुका है एक्सपेक्टेशन रेस कर दी है प्री सीजन में भाई मड्रिड को हराया है और यंग लड़कों को इंक्लूड करके हराया है बट पॉइंट ये है पता है मुक्तेश की भले ही हार गई रियाल मड्रिड लेकिन सबको ये पता है मड्रिड सीजन में अभी पिकअप करेगी तो बेटर कर ही जाएगी

बनाया था उससे उसके बीच में हमने कोई नहीं बनाया बीच में एक आधा प्लेयर आता गया बट नो वन ऑफ दैट कैलेवर लेकिन ला, लामासिया को अगर मैं देखूं वहां पे प्लेयर्स बनते हैं आप सी डीएम पोजिशन पे देखो सेंटर बैक पे निकल रहा है प्लेयर यहाँ पे राइट right विंग पे निकल रहा है प्लेयर आपने आंजू फाती प्रोड्यूस किया था बट प्रॉब्लम पता है क्या है द ओवर डिपेंडेंसी ऑफ लाम आसिया एट बार्सिलोना दैट इज द होल मतलब आप बोलोगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन शुड बी जिसके अराउंड होना चाहिए बिल्ड और उस पर तूने वीडियो बनाई भी है अब आगे चल कर इस सीजन में एक सिचुएशन ऐसी आती है वेर कसादो इज नॉट परफॉर्मिंग अगर कसादो को प्रमोट किया जाता है और आप फ्रेंकी डियग पे उम्मीद लगाए बैठे हो बट फ्रेंकी डियोंग इज नॉट द सेम प्लेयर पोस्ट इंजरीज तो फिर हु नेक्स्ट प्लेयर इन लाइन जो कि वो चीज करेगा के और लमीन यमाल यंग है फर्मिन लोपेज यंग है कसादो यंग है कुबारसी यंग है हेक्टर फोर्ट यंग है

एबसोल्यूटली नो क्लब इन द वर्ल्ड जो कि मतलब बार्सिलोना के लेवल का तो एट लीस्ट विच शुड है कितनी प्रॉब्लम उनके साथ दे शुड गो इन टू अग की देर एग्जेप्टेड ऑफ विनिंग ट्रॉफीज सिंपल ठीक है तो एज अ बार्सिलोना फैन आई वुड से सब कुछ है ठीक है तुम्हारा खुद का डिसीजन है क्या कहते हैं जो प्लेय तुमने रिटेन करे हैं ठीक है जो प्लेयर्स तुम्हारे पास हैं जो प्लेयर्स तुमने प्रमोट करे हैं लाम आसिया तुम उन्हें फिट रख पाते हो एंड अगर तुम उन्हें सही से मैनेज कर पाते हो फिल्थी प्लेयर्स तो ट्रॉफी एज अ फैन मैं हर सीजन की स्टार्टिंग में जब भी प्रडिक्शन देता हो मुझे गालियाँ बहुत पड़ती है लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ बार्सिलोना

ठीक है प्रीमियर लीग में अभी तक लोग एस्टन विला की बात नहीं कर रहे आई एम टेलिंग यू एस्टन विला इज द दे आर शॉक एवरीबॉडी नेक्स्ट सीजन इफ इफ दे कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग बट ठीक है यू आर नॉट सीइंग कि बाकी क्लब्स क्या कर रहे हैं इंटर मिलान ये सारे क्लब्स बार्सिलोना इज नोवेयर नियर दे आर नोवेयर नियर बार्सिलोना का पूरा बोर्ड पूरा फैन बेस आंख बंद करके इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि ला मासी इज गोइंग टू डू मैजिक कि 60 की 80 ये जो 18 से 22 की रेंज के जो हमारे प्लेयर्स हैं दे आर गोना जस्ट आउट परफॉर्म एवरी फुल ऑफ देयर सॉक्स और हर मैच डे में 10 ऑन 10 और 9 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे आप समझ रहे हो वी आर लाइक बार्सिलोना फैंस आर काउंटिंग ऑन द चांस ऑफ सीइंग इनिएस्टा जावी मेसी लेवल प्लेयर्स टू बी लाइक ये उन, अगर, अगर इन्हें कुछ जीतना है ना तो इन्हें उस लेवल का परफॉर्म करना पड़ेगा इस, मैं, नहीं करना मैं तुम्हें स्टेट ऑफ बता रहा हूं अगर, नहीं, अगर सही बात है सही अगर बार्सलोना अगर बार्सलोना रियाल मड एथलेटिक्स को हरा कर लाल लीगा जीत रही है इस टीम के साथ भाई इज दैट से

Nobody knew that he's going to retire as one of the greatest midfielders the game has ever seen. Bilkul. The day Messi made his debut, nobody knew he would be he would retire as the goat. They, they, yes. The people didn't know that these things would happen. But they created certain actions which led to those events, So Barcelona fans are now counting on those things to be repeated, which is optimistic. Like I am one of those Barcelona fans.

Lot more की बालब बालब समझ रहे ना आप भाई ये तो भाई, क्या ही भाई हद्दी कर दी बट इफ आई टू काउंट ऑन समबडी आई रियली थिंक टू प्लेयर्स जिनके ऊपर आई वुड बी काउंटिंग वुड बी बाले एंड फोमिन लोपेस वो

रूथलेस था या फिर थोड़ा सा कंजरवेटिव माइंड सेट वाला गावी, में अपने। क्योंकि देख ए एंड एक साल से ज्यादा टाइम के लिए वो बाहर हुआ था तो बहुत मतलब देखा जाए बहुत लंबे टाइम के बाद वो वापस आएगा फर्स्ट इलेवन में तो गावी से तेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मतलब तू कौन सा गावी एक्सपेक्ट कर रहा है वापस आते टाइम जितना आराम से खेल सके खेले जितना ना, वो मतलब वो, वो पेंट्री वाली गलती ना करे वो ना ना वो, ना, ना ना है ना बिल्कुल भी नहीं भाई मेरे लिए तो गावी इज लाइक द बेस्ट मेरे लिए नंबर वन लाइक इफ आई हैव टू मतलब एज अ बारसा फैन कि विच प्लेयर आई वुड लाइक टू बी सोल्ड लास्ट तो आई थिंक मैं लामिन यमाल एंड गावी वुड बी द लास्ट टू प्लेयर्स क्योंकि आई हैव नॉट मतलब समझ रहे हो मैंने आई हैव नॉट सीन अ प्लेयर दैट फाइट फॉर द बैच As much as as much उसमें गावी नहीं गिनता मैं गिनता ही <laughs> नहीं गावी इस सीजन <laughs> के लिए क्योंकि मैं आई डोंट की बार्सलोना शुड बी काउंटिंग ऑन हिम एक इतनी बड़ी इंजरी से वो वापिस आया है ही शुड बी गिवन टाइम

देखो मैन सिटी इट्स प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन है प्रेडिक्शन क्या जाए? Uh -huh, uh -huh. ठीक है तो अगर मैन सिटी और रास्ते के अलावा कोई नहीं जीत रहा है इट इज गोइंग टू बी विला ओ माय गॉड ओ हो माय गॉड इमेजिन लिवरपूल जीत जाए इमेजिन oh भाई इमेजिन इमेजिन चेल्सी जीत जाए और ड्रग बाबा भाई तेरे आगे दिल्ली मारे यार पता क्या है? आप पता है चेल्सी के साथ सीन क्या है चेल्सी के साथ सीन क्या मैं बाबा को भी समझाता हूँ हाँ। बाबा को भी सही समझाता हूँ कि चेल्सी हैज गॉट खतरनाक प्लेयर्स खतरनाक प्लेयर्स बट इन हाँ समझ रहा हूँ उनके पास इतने हथियार है इतने हथियार है

यहाँ तक अगर तुमने देखा है तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इट्स क्रिमिनल कम सब्सक्राइब चलो थैंक यू एवरीवन बाय बाय टेक केयर